हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। सो जस्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। गुरु परंपरा प्रणाली एवं परंपरा प्रातम, यह परमोच्च विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया गया। ये प्रश्न का उत्तर है ना, आप लोगों को देना है। हमें जीवित दीक्षा गुरु स्वीकारने की आवश्यकता क्यों है? आपको क्या लगता है कि हमें जीवित दीक्षा गुरु क्यों स्वीकारने चाहिए, या आवश्यकता क्यों है? Because they guide us by giving instructions which helps us to progress in life and get closer to Krishna. ये दीक्षा गुरु जो है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और कृष्ण की ओर ले जा सकते हैं। और जीवित दीक्षा गुरु क्यों स्वीकारनी चाहिए? क्योंकि कोई भी अगर हमारी क्वेश्चन होगे, कोई भी डाउट होगे, तो हम गुरु जी से जाके पूछ सकते हैं, इसीलिए उनका जीवित रहना जरूरी है। डायरेक्टली। हाँ, कुछ भी हमारी शंकाएं है, डाउट है, प्रश्न है, तो डायरेक्टली हम गुरु को जाके पूछ सकते हैं। करेक्ट। और वे अपने आचरण से हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकते कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। हमारे पास जीवित व्यक्ति है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं और भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। और क्या लगता है आपको? हम मनमानी आचरण नहीं कर सकते अगर गुरु रहे। मनमाना आचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार उनके जितने भी उपदेश है और उनका गाइडेंस रहेगा हमारे साथ। और जैसे बोलते हैं ना कि जीवित उदाहरण बहुत जल्दी इंस्पायर करेगा, है ना। और सिद्धांत अपनाते वक्त भी जो है हमें गाइडेंस चाहिए, टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के हिसाब से, वक्त के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो है हमें गाइडेंस चाहिए होती है। और हम उनको देकर प्रेरणा उनसे मिलती है तो हम और शरणागत भी होते हैं। और किसी का कोई रियलाइजेशन है मतलब? हरे कृष्ण माता जी, हाँ, हरे कृष्ण। उनको हम सेवा उनके लिए सेवा करने का मौका भी कभी मिलता है तो हाँ, जीवन डायरेक्ट गुरु की सेवा करने का बहुत सुनहरा अवसर मिल सकता है हमें, है ना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और क्या लगता है आपको? प्रोत्साहन भी मिलता है, अगर मान लो हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को, है ना। तो यस, जीवित गुरु स्वीकार करने की ये आवश्यकता है। फिर ये कहते हैं परंपरा प्रणाली, गुरु अपने शिष्य द्वारा किए गए आदर को स्वयं के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए स्वीकारते हैं। ये तो हम लोग ने चर्चा कर लिया था। वर्तमान गुरु की शरण ले, है ना। जीवित गुरु की शरण क्यों लेनी चाहिए? तो जब ये परंपरा प्रणाली में ना, ये ऐसा है कि जब हम आदर ऊपर देते हैं तो वहां से कृपा नीचे आती है। जैसे हम भोग भी जब लगाते हैं ना, तो हम पहले गुरु को अर्पित करते हैं वो भोग कि आप ये ग्रहण कीजिए। लेकिन गुरु ग्रहण नहीं करते, वो उनके गुरु को देते हैं, उनके गुरु को देते हैं। और ये जो है चलती जाती है। और फिर ये जो प्लेट है वो श्रीमती राधा रानी तक पहुंचती है।
फिर श्रीमती राधारानी है वो क्वालिटी चेक करती है, नमक है या नहीं, मिर्ची है या नहीं, या कुछ तड़का डाला है या नहीं, या कुछ ऐसी जो है मिर्च मसाला, कोई मसाला के कुछ कमी है, तो कुछ भी कमी है तो श्रीमती राधारानी उसको पूर्ण करती है और फिर कृष्ण को अपने हाथों से खिलाती है। तो यहाँ से रिस्पेक्ट ऊपर जा रहा है तो वहां से कृपा भी नीचे आ रही है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? आप सीधे उच्चतर गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते हैं, है ना? और सीधे कृष्ण की ओर न जाए, यह व्यर्थ प्रयास है। अब डायरेक्टली कृष्ण को, जैसे अगर आप जाओगे ना तो कृष्ण पहचान नहीं कि आप कौन हो, भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ। लेकिन गुरु के माध्यम से जाएंगे तो कृष्ण हमें जरूर पहचान लेंगे। मनुष्य को एक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए, केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि जो है कि क्या है वो कहावत, नीम हकीम खतरे में जान। तो अगर कोई आधा डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा, वो तहस नहस कर देगी हमारी जो है ना आध्यात्मिक जीवन। तो क्या कोई जो व्यक्ति है वो सिर्फ किताबें पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? नहीं, उसको एक प्रामाणिक संस्था में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, प्रामाणिक टीचर के सानिध्य में जो है उनके नीचे रहकर उनको वो सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो है जिस प्रकार परंपरा के चरण से ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार हमें कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो जब गुरु आपको कहते हैं कि फलाना फलाना किताब आपको नहीं पढ़नी है, तो हमें नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से हम विनम्रता जो है प्रदर्शित करते हैं, हम विनम्रता विकसित कर सकते हैं हमारे हृदय में। और ये जो विनम्रता है ये बहुत ही जरूरी बोलते ना गुण है एक शिष्य का आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो गुरु आपको यही कहेंगे सिर्फ केवल जो है श्रील प्रभुपाद की ही किताबें आप पढ़िएगा। तो मनुष्य को एक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए, केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं। जिन शिष्यों में को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य में आध्यात्मिक गुरु बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उपदेश था। ये सभी छात्र जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली भविष्य में मेरी तरह कार्य करेंगे, जिस प्रकार मेरे अनेक गुरु भाई कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार वे मेरे शिष्य बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, वे भविष्य में गुरु बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे आपको क्लास दे रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आप स्टूडेंट्स हो, मैं ये सोच रही हूँ कि आप फ्यूचर गुरु हो। फ्यूचर आप भी लोगों को प्रेरित करोगे, मैं भी अभी प्रेरित कर भी रहे हो आप, मुझे नहीं पता है ना किसी की पर्सनल लाइफ, तो आप भी प्रेरित कर रहे हो लोगों को कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए। तो ये जो है यह प्रभुपाद की इच्छा है कि हर कोई प्रभुपाद का जो शिष्य है, क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि मैं प्रभुपाद का सीधा शिष्य नहीं हूं, प्रभुपाद तो चले गए मैंने प्रभुपाद को देखा नहीं। नहीं, अगर हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद के आदेशों का पालन कर रहे हैं, मतलब हम प्रभुपाद के ही शिष्य है। और ये जो प्रणाली है ये आगे हमें ही ले जानी है, ये परंपरा आगे ले। जैसे मान लो कि आपके पिता का एक कोई बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और आप कह दोगे कि नहीं, मैं आपके बिजनेस नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ और ही कर लूंगा। तो ये हमारा खानदानी बिजनेस है, प्रचार करना, लोगों को भक्त बनाना और लोगों को प्रेरित करना, उनको अपने दुख भरे जीवन से बाहर निकालना और उनकी शाश्वत जो है स्थिति में उनको फिर से स्थित करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जो है
गुरु बनो और दूसरों को प्रचार करो, ये प्रभुपाद की ये इच्छा है। मैं अपने शिष्यों को प्रामाणिक गुरु बनता देखना चाहता हूँ, ये फिर से प्रभुपाद की ही इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मेरे अनुपस्थिति में के बाद मेरे शिष्य प्रामाणिक गुरु बने। आप जितने विनम्र बनेंगे उतनी ही प्रगति करेंगे। अब जो है भगवत गीता के तात्पर्य में जो है, और या उन्होंने जो प्रवचन दिया हुआ है वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि विनम्रता जो है वो प्रगति का पहला कदम है। तो अगर हम विनम्रता से जो है भक्ति करेंगे, माला करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। आपको सीखना होगा कि कैसे कृष्ण का दासानुदास बने। आप जितनी निम्न स्तर स्थिति पर जाएंगे, दास दास दासानुदास सत सत दास दास, उतनी ही आप प्रगति करेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक आ रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप इस पन्ने पर, जो 16 पन्ने पर, ये जो 8 बुलेट पॉइंट्स है ना यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मार्क करो, कंपलसरी आ रहा है। 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप देखिए, ये अभी है ना, यहाँ पे चर्चा आ रहा है ऋत्विकवाद का, है ना। मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करते तर्क। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या एवं भ्रामक धारणा है, जिसके अनुसार एक मिथ्या एवं भ्रमित करने वाली धारणा है, जिसके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत तथाकथित रूप से ऋत्विको अथवा स्थानापन्न पुरोहित के माध्यम से दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करते रहते हैं। तो अब ये ऋत्विकवाद है क्या, पहली बात तो ये समझना चाहिए। देखो, यज्ञ के समय में जो है ना, एक मेन यजमान है जो यज्ञ संपन्न कर रहा है, और वो जो है वो एक होत्रु को बुलाता है कि ना। तो होत्रु यानी यज्ञ करने वाला व्यक्ति। उस समय वो होत्रु एक बूढ़े व्यक्ति है या जो फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं होते हैं, तो वो होत्रु जो है किसी अन्य ब्राह्मण को यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए सौंपते हैं। और उसे जो कहते हैं, वो जो छोटा बच्चा उनके साथ जो आता है, या जो जो नौजवान व्यक्ति उनके साथ जो आता है, उसे कहते हैं ऋतविज, तो उसको, या ऋतविक। तो उसी तरह प्रभुपाद ने भी कुछ कुछ ऐसे शिष्य को अपॉइंट किया हुआ है जो उनके तरफ से दीक्षा दे सके। तो ये ऋत्विकवाद जो है, ये क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे प्रभुपाद, जो पहला कारण ये है कि जब प्रभुपाद जो है इस धरातल से गए 1977 में, तो इस्कॉन में जो सबसे सीनियर भक्त थे वो सिर्फ 12 साल के थे। क्योंकि प्रभुपाद ने आंदोलन 1966 में शुरू किया और 77 में प्रभुपाद इस धरातल से चले गए। तो श्रील प्रभुपाद ने 11 जीबीसी को चुने थे, और उनके जीवन में भी कुछ बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे कि पहली बात तो श्रील प्रभुपाद नहीं थे जो उनके सतत प्रेरणा के स्तोत्र थे। दूसरी बात, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि न केवल अपनी भक्ति पर, लेकिन हजारों भक्तों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उनमें से जो 11 उन सॉरी 11 लोग थे ना, उन 11 लोगों में से 7 लोगों के जीवन में कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हुई, और ऐसा देखा गया कि उनकी पहली तो अपरिपक्वता के कारण और दूसरी अप्रामाणिकता के कारण सारी आंतरिक स्पर्धा जो है उत्पन्न हुई इस्कॉन में, कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, तो किसको प्रचार करने को मिल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकता है या कर रहा है। तो नए जो गुरु बने थे उनके शिष्य जो है उनको हीरो की तरह उपासना कर रहे थे, कि वह श्रील प्रभुपाद के पद को भी निम्न स्तर पर लाने लगे। तो
जो इन गुरु भाई, जो इनके गुरु भाई थे, तो उनको लगने लगा कि क्या ये हो रहा है इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद हमारे जो है संस्थापक आचार्य है और उनसे थोड़ा कम ही आदर बाकी लोगों को होना चाहिए। पर ये नए लोगों को तो यह सिखाया गया कि भगवान के समान ही गुरु की को सम्मान देना चाहिए। तो इसमें जो है कोई परिपक्वता नहीं थी कि श्रील प्रभुपाद को सम्मान देना कितना और गुरु को कितना सम्मान देना चाहिए, और इसमें कुछ जो है अंतर होना चाहिए दोनों में। तो इसके कारण बहुत सी इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षितता की भावना उत्पन्न हुई और लोगों के हृदय में जो था वो मन मुटावा भी होने लगा। गुरु गुरु भाइयों में भी कुछ मन मुटावा लगाया, ऐसी थोड़ी भावनाएं उत्पन्न हुई। तो श्रील प्रभुपाद को न मान के उन्होंने जो है जोनल आचार्य सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने जो पूरा जो क्या कहते हैं विश्व का जो बोलते हैं ना मैप है, भूगोल है, भूगोल में जो मैप होता है विश्व का, उन्होंने जो है वो खंड कर दिया, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि अच्छा अमेरिका में ये दीक्षा देंगे और अफ्रीका में वो दीक्षा देंगे और यूरोप में ये दीक्षा देंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं कहा था। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जीबीसी सब बने और ये जीबीसी सारे इस्कॉन के सूत्र के संचार के एकत्रित आकर जो है वो करे, उसको डिसेंट्रलाइज होकर अपना अपना एरिया नहीं बनाए, सेंट्रलाइजेशन करके एक ही जगह पे आके वो लोग प्रचार करें और कुछ महत्व निर्णय ले। तो फिर हर जीबीसी जो है वो अन्य जोन्स में जाए ताकि अगर उधर कुछ गड़बड़ हो रही है तो कुछ मदद होनी चाहिए, तो एक दूसरे की मदद भी कर पाए। और लेकिन जब जोनल आचार्य सिस्टम बनाई गई तो यहाँ पे जो है वो असुरक्षितता की भावना और भी बढ़ गई, और ये जो 11 जीबीसी थे उसमें से जो 7 जीबीसी थे उनके जीवन में बड़े गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, और इतना तक कि कुछ का आध्यात्मिक जीवन में का भी पतन हो गया था। लेकिन इस्कॉन अभी इसके लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु का कभी पतन नहीं हो सकता है और इसके बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। अब आप देखिए भागवतम में अगर हम देखते हैं तो शौबरी मुनि, कितने सारे महान महान ऋषि मुनि का पतन हुआ, विश्वामित्र है, शौबरी मुनि है। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि एक व्यक्ति को है ना आचार्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मिलजुल कर जो है उनको जीबीसी बनाना चाहिए। उसके कारण क्या होगा ना कि दलवाद जो है वो नहीं होगा, संघ और उस संस्था में जो है वो संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपने टाइम में भी देखा था अपनी खुद की आंखों से कि जब श्रील प्रभुपाद के जो गुरु है जब वो चले गए तो बहुत वाद विवाद हो कि कौन आचार्य बनेगा अगला। तो श्रील प्रभुपाद ने जो है अपनी मृत्यु तक उन्होंने जो है वेट नहीं किया कि भाई मैं मरने के बाद विल करके जाऊंगा तब जीबीसी का निर्माण होगा। मरने से पहले ही इन जीबीसीओ को निर्धारित कर दिया था और जो है उनको निरंतर 6 से 7 साल तक जो है वो उनको मार्गदर्शन करते रहे। अब जो है आप देखोगे तो श्रील प्रभुपाद के पास सिर्फ 12 साल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विस्तार का काम किया, पर जो गहराई में उतर के गहराई में उतरने का या उतर के या प्रचार का काम जो था उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपा। तो वो जो है वो रचना के मूड में थे, क्रिएशन के मूड में थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे ही शिष्य उनके बोलते ना अप्रामाणिक थे, लेकिन कुछ प्रामाणिक भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उनके पास जो है कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और जो है इसलिए जो है बहुत मुश्किल हो गई।
तो दो चीजें जो है वो ऋत्विक वाद की तरफ लेके गए, टू थिंग्स लेड टू ऋत्विक वाद। एक है अपरिपक्वता यानी इमेच्योरिटी, और दूसरी है अप्रामाणिकता यानी डिसलॉयल्टी। और श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई थी अलग अलग भक्तों के द्वारा, तो उसमें से एक प्रतिक्रिया जो हुई है वो ऋत्विक वाद की हुई है कि जब हर संस्था में गुरु के अप्राकट्य के बाद बहुत उथल पुथल होती है, क्यों? क्योंकि उस संस्था को चलाने की कार्य कुशलता जो है, एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा उस संस्था के लीडर में या संस्थापकाचार्य के पास होती है, और वो प्रयास करते हैं कि अपनी जो विरासत है वो अपने शिष्यों को प्रदान करे। लेकिन जो है ये हो सकता है कि उनके शिष्य उनकी जितना पकड़ नहीं पाए, उसके कारण बहुत सारी समस्या और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, और संस्था को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है उनके कार्य करने के लिए भी और कार्यकर्ताओं के साथ भी। तो ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जिनमें जिनके फाउंडर आचार्य या संस्थापक आचार्य चले जाने के बाद वो संस्थाएं बंद हो गई है। अब देखना, आपने सुना भी होगा, ये संस्था बंद हो गई, इनके इनके गुरु चले गए, संस्था बंद हो गई, या इतनी जोर शोर से नहीं चल रही जितना जो जो जब संस्थापक आचार्य जिंदा थे तब वो संस्था हुआ करती थी। तो इस्कॉन जो है ये एकमात्र संस्था है जो पूर्णतः बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही है। जब श्रील प्रभुपाद इस धरातल से चल जाने के बाद भी जो है वो जो है दिन दूना रात चौगना ये संस्था बढ़ रही है, और ये जो है संस्था जो है आत्मा आत्म शुद्धिकरण की संस्था है, आपकी आत्मा को शुद्धिकरण। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिस तरह शिष्य जो है वो अनुकरण करेगा करता जाएगा, तो ये संस्था जो है फैलेगी फूलेगी और बहुत सुधरता भी जाएगा, वरना ये होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जो है इन सब कारणों की वजह से जो ये ऋत्विकवाद का उत्पन्न हुआ, और उनको लगा ये ऋत्विकवाद लोगों को लगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना क्या हुआ, वो सेग्रीगेट हो गए, मतलब अलग हो गए संस्था से, तो उनको लगा कि हम नए लोगों को सीधे श्रील प्रभुपाद से जोड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद के बाद जो है कोई उत्कृष्ट भक्त या उदाहरण निर्माण हो ही नहीं सकता, ये भक्त है ही नहीं, और श्रील प्रभुपाद के बाद जो है कोई उत्कृष्ट उदाहरण निर्माण अः बोले ना देने के कारण ही नहीं है, समस्याओं का कोई निवारण भी नहीं करने वाला है, और जो है इसलिए जो है लोग जो है तो लोग ऋत्विक क्यों बने, क्योंकि उनको लगता है कि श्रील प्रभुपाद के बाद जो है कोई शुद्ध भक्त बचा ही नहीं है। एक्चुअली ये श्रील प्रभुपाद पे बहुत बड़ा तमाचा है कि क्या श्रील प्रभुपाद में उतनी क्षमता नहीं कि वो शुद्ध भक्त बना सके, और तो इसे अगर श्रील प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त बचा ही नहीं, तो इससे अच्छा सबको जो है सिर्फ श्रील प्रभुपाद से कनेक्ट करवाओ, बाकी जब उन्होंने जो दीक्षा दी हुई उन गुरु से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस्कॉन भी एक रहेगा उनका कहना है, और पतन के झमेले से भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो देखिए उनका उद्देश्य अच्छा है समस्या का निराकरण करने का, लेकिन उसका जो दार्शनिक दृष्टिकोण है या जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो पूरा गलत है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है ना, द रोड टू हेल इज पेव्ड, द रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। तो आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, और आपकी इंटेंशन एक तरफ और फिलोसफी जो है गुरु साधु शास्त्र पे आधारित होनी चाहिए, तो वह तो एक तरफ। तो किसी मान लो फॉर एग्जाम्पल
एक सेकेंड तो देखो, हमारे पास ये ना तीन उपचार हो सकते हैं। अगर मान लो किसी को कैटरेक्ट हुआ है, मोतीबिंदु हुआ है, तो पहला उपाय क्या हो सकता है? उस व्यक्ति को मार दो। दूसरा उपाय हो सकता है कि उसकी आंख निकाल दो। और तीसरा उपाय हो सकता है कि उसकी मोती बिंदु को जो है जो उसका कैटरेक्ट है उसको निकाल दो और आंख को रहने दो। तो कौन सा उपाय आपको सही लग रहा है कि मोती बिंदु को निकालना? व्यक्ति को मार के कोई फायदा नहीं है और उसकी आंख भी निकाल के कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इस तरह से जो है ऋत्विकवाद कहते हैं कि इस्कॉन में अपरिपक्वता की समस्या के कारण और अप्रामाणिक गुरुओं के कारण जो है इसके लिए जो है गुरु का जो स्थान है ना, वो ही ये परंपरा प्रणाली जो है उसी को निकाल दो। वो लोग बोले आंख ही निकाल दो। ये परंपरा प्रणाली सिस्टम जो है इसी को जो है निकाल दो और सीधा कनेक्शन जो है वो ऊपर लगाओ भगवान के साथ। तो यह मीन्स ऐसा है कि आप अपनी आंख ही निकाल दो, मोती बिंदु ठीक करने के बजाय उनका निराकरण ये है या निवारण ये है कि उस आंख को ही निकाल दो, वो सिस्टम वो सीट ही निकाल दो। तो ये एक्चुअली उसकी समस्या का निराकरण सही नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, निपुणता चाहिए इसके अंदर। और अब हम ये देख सकते हैं कि इस्कॉन जो है इन समस्याओं से संभल रहा है और संभलते आ रहा है और धीरे धीरे इस्कॉन अच्छा हो रहा है। अब हम देखेंगे हमारे मंदिर में, खुद के मंदिर में हम लोग देखेंगे, चाहे वो कैंप का मंदिर हो या एनवीसीसी का मंदिर है, कि हमारे पास मंदिर के अध्यक्ष है, जीबीसी है, और हम कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो है इनके उदाहरण से जो है हम आगे भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो जो है इसको देखने के बाद भी अगर किसी को लगेगा कि नहीं, श्रील प्रभुपाद का सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के बाद जो है शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकता है, तो ऐसा कहना है ना श्रील प्रभुपाद का एक्चुअली अपमान है। और इसलिए आप देखिए हमारे पास बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए अभी। गुरु गुरु कमेटी डिपार्टमेंट है, संन्यास डिपार्टमेंट है, और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सबसे नीचे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक हमें प्रशिक्षण भी मिल रहा है। और जैसे डिवोटी केयर सिस्टम है, और जो है हीरा माता जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। तो जो है तो आप देखिए कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है? वो गिरता है, वो संभलता है, गिरता है, संभलता है, और थोड़ी देर बाद संभल जाता है। तो इस्कॉन अगर आप देखोगे, अभी भी छोटा बच्चा ही है। कितने साल हुए हमें? मुश्किल से 60 साल भी नहीं हुए है, राइट? और इस्कॉन की जो आयु है वो कितनी है? प्रभुपाद कह के गए 10,000 वर्ष तक इस्कॉन रहेगा। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि अभी तो सिर्फ छोटा बच्चा ही है, तो थोड़ा कुछ छोटा मोटा होता है तो वो ना क्या रोना लगता है, तो थोड़ी थोड़ी जो है ना संस्था में जैसे कुछ हलचल हो जाती है तो डिवोटीज जो है वो थोड़ा जो है ना टेंशन में आ जाते हैं। तो ये संस्था जो है पूरे मानव जाति के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में बताई जाने वाली संस्था बनेगी। और ये सबसे मतलब जो है ना कि इसने जो है इस संस्था ने सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त जो है मानव समाज को बचाया हुआ है इस संस्था ने, इस्कॉन संस्था ने। तो इसलिए जो है अब जो है हमारी संस्था जो है वो दिन दूना रात चौगनी वो जो है बहुत बढ़ती जा रही है। आप सोचो जैसे नाइकी, आडिडास और रिलायंस एंड ऑल ये सारे ब्रांड नेम है,
तो इस्कॉन भी एक ब्रांड नेम है। अब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्रभुपाद की लिखी हुई अलग अलग भाषाओं में ये किताब जाके वितरण कर रहे हैं, और हर वक्त जो है जन्माष्टमी के वक्त हो, चाहे गीता जयंती के वक्त हो, या कोई भी रामनवमी के वक्त हो, प्रधानमंत्री का एक पत्र इस्कॉन को पक्का आता है कि हम बधाई देते हैं आपको इस त्योहार के लिए, या इस गीता जयंती के अवसर पे हम आपको बधाई देते हैं, क्योंकि इस्कॉन जो है मानव समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो इसलिए जो है ये ऋत्विकवाद जो है, ये पूरा टॉपिक जो है, ये जो है ये ऋत्विकवाद का पूरा टॉपिक है। अब जो है हमें क्या करना है, अगर हम जो है हम ऐसे ऋत्विकवाद लोगों के कांटेक्ट में अगर आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए हमें ये जानना चाहिए कि वो हमारे परिवार के लोग ही है, फैमिली मेंबर्स ही है ना। तो हमें क्या दिखाना है, उनको आदर सम्मान दिखाना है। तो हमारा जो फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी अलग है, लेकिन हम लोग की जो जड़े हैं वो एक ही है। उनका कहना अलग है और हमारा कहना अलग है, लेकिन हो सकता है हमारे अच्छे बर्ताव से वो अपना दृष्टिकोण बदल ले और वो जो है पूर्णतया हरे कृष्ण भक्त बने हमारे अच्छे व्यवहार से। तो कहते हैं ना, अगर हमारे पास कुछ सब्सटेंस है तो आपको इस पे धूल फेंकने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारी फिलॉसफी को आगे बढ़ावा देना है, प्रचार करना है, और जो है हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है इसके बाद, है ना। तो इसलिए जो ये है सारा ऋत्विकवाद का जो है जो है चैप्टर है। तो अभी अगले इस पे आ रहे हैं हम लोग, ये है गुरु तत्व। अगर आप देखोगे ये एडिशनल कोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अतिरिक्त उदाहरण, तो ये जो है ना एडिशनल कोर्स, ये आप स्वयं ही पढ़ लीजिए। पेज नंबर क्या है ये, मेरे ख्याल से 17 और ये 18, 19, यस। तो आते हैं हम लोग जो है तीसरे पार्ट पे। तो अब यहाँ पे जो है ये जो है ना, ये मैं कल डिस्कस करूंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। लिखे शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक के चारक के रूप में अभी भी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभुपाद अभी भी कैसे कार्य कर रहे हैं, इसका जरा आप मुझे कल जो है थोड़ा पहले, हम लोग जब ओपनिंग करेंगे ना क्लास की, तभी इसकी चर्चा करेंगे। और ये वाला भी, श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि, ये कैसे है, ये भी आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब देखिए, आप देखोगे कि जो है श्रील प्रभुपाद जो है वो, उनका बहुत मेन रोल है इस संस्था में, इसलिए उनको संस्थापक आचार्य की पदवी दी गई है। परम गुरु की भूमिका है उनकी, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है वो। तो जो है जैसे अगर हम बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है ना, वही अपने आप में इतना वजनदार है कि जैसे रशिया में जो है ना, जितने भी केजीबी के लोग थे ना, उन्होंने हमारे भक्तों को, कुछ भक्तों को डाल दिया था जेल में, और उनके साथ जो है वो जादू टोना करने लगे थे, और जो है कुछ तांत्रिक मंत्र भी इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। तो एक माता जी है, तो वो जो है क्योंकि कुछ ये तांत्रिक मंत्र इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रही थी, नरसिंह आरती कर रही थी, लेकिन उसको फिर भी लगा कि कुछ आत्मा जो है वो उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। लेकिन जब उसने श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र
उच्चारण करना शुरू किया तो वो जो तांत्रिक है वो कुछ नहीं कर पाया। वो तांत्रिक ने पुलिस को कहा कि नहीं, वहां पे कोई जो पुराना एक जो बहुत ही वृद्ध स्वामी है और वो बैठा है और वो मुझे धमकी दे रहा है, मैं ना कुछ नहीं कर सकता हूँ स्त्री के साथ, मैं इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ मेरे तांत्रिक मंत्रों के साथ, और वो वहां से भाग जाता है। तो अब देखिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कितना प्रबलशाली और बलशाली है ये। और एक बार जो है, चलो प्रभुपाद के जो एक शिष्य है आत्म तत्व प्रभु, वो जो है हिमालय पे गए हुए थे अपना कुछ ये करने के लिए, तो उन्होंने वहां पे एक साधु से उनकी मुलाकात हुई। तो वो साधु ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो आत्म तत्व प्रभु ने ना श्रील प्रभुपाद की एक पिक्चर बताई उनको। तो वो साधु ने ना कुछ अपना कैलकुलेशन किया, कुछ अपना ये किया, और उन्होंने कहा कि आपके जो गुरु है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो है सारे जितने भी संप्रदाय है वो उन सभी संप्रदायों के आचार्य है, आचार्यों के प्रतिनिधि है, सॉरी, वो जो है वो सभी संप्रदाय के जो है सभी आचार्यों के भी प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद। तो देखिए एक व्यक्ति जो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद तुरंत ही ये जो है वो कौन है, ये साधु क्या है, मिस्टिक योगी है ना, अष्टांग योगी होगा या ध्यान योगी होगा, लेकिन वो ध्यान करके वो बता पा रहा था कि आपके जो गुरु है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हमें भी जो है श्रील प्रभुपाद को जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये चौथा वाला भी आपके लिए होमवर्क है, पांचवा वाला भी आपके लिए होमवर्क है। आप कहोगे ये सब कुछ होमवर्क है, फिर आप क्या करोगे माता जी यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा आपको भी ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है, आपके लिए भी जरा ठीक है, अपने हमारे ब्रेन के जो मसल्स है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होंगे जब हम सोचेंगे कि अरे श्रील प्रभुपाद कैसे काम करते हैं। और अगर आप जो अगर ये लिखते हो ना तो आपका संबंध बहुत गहरा हो जाएगा, क्योंकि आप सोचने लगे हो श्रील प्रभुपाद, अरे अच्छा श्रील प्रभुपाद का क्या महत्व है मेरे जिंदगी में, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में श्रील प्रभुपाद का, तो फिर ये सारी चीजें क्या होगा आप सोचने लगोगे। अब जो है ये जो है ना ये थोड़ा कनेक्टेड है एक्चुअली भविष्य में इस्कॉन का क्या है ये, क्योंकि ये सारे जो है ये सारे कनेक्टेड ही एक से दूसरे से एक। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, वो है इस्कॉन में गुरु ग्रंथ। शिष्य के कुछ महत्वपूर्ण गुण की सूची बचाइए। ये ना शिष्य के गुण ये भी होमवर्क के लिए लिखिए आप, आपको अपने में कौन से गुण विकसित करने हैं, विनम्रता है, सहनशीलता है, क्या है, आपको सीरियसनेस बनना है या आपको बिल्कुल अडिग बनना है अपने, ये सारे ना कुछ आप अपने ही गुण, आपको क्या गुण विकसित करने हैं आप लिखना। अब आप देखिए इस्कॉन का गुरु मनोभाव, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकारक रचना, अपने विचार लिखिए। ये जो रचना है ना ये यहाँ पे ये रचना इसके बारे में बता रहे हैं, ये रचना को चेंज किया है क्या इन लोगों ने। ये ना थोड़ा रचना जो है उन्होंने क्या किया हुआ है एक्चुअली, कि मेरे पास है ना 2015 की मैंने जो किया हुआ है आईडीसी का कोर्स, उस टाइम की वो किताब है मेरे पास। ठीक है हम इसी रचना से काम चला लेते हैं। तो अब देखिए ये जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं संरचना, तो ये जो जो है ये यहाँ पे ये रचना में देखिए, अब सबसे ऊपर कौन है, श्रील प्रभुपाद, फिर जितने भी जीबीसी आते हैं, जीबीसी प्रतिनिधि आते हैं वो है, फिर जीबीसी के नीचे भी कौन है, सन्यासी मंत्रालय है, गुरु सेवा समिति है ना, यहाँ पे जीबीसी के नीचे है ना, और फिर सन्यास मंत्रालय के नीचे सन्यासी है, जितने भी सन्यासी है
जो दीक्षा दे रहे हैं, और फिर सन्यासियों के नीचे मंदिर के अध्यक्ष है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, और टेम्पल प्रेसिडेंट मंदिर के अध्यक्ष के नीचे जो है मंदिर के निवासी अथवा शिष्य है। अब यहाँ पे गुरु सेवा समिति के नीचे में जितने भी गुरु जो है वो दीक्षा दे रहे हैं। अब आप देखिए ये सन्यासी और ये गुरु में फर्क क्या है। यहाँ पे ये सन्यासी है लेकिन वो गुरु नहीं है, इन द सेंस जरूरी नहीं कि ये सन्यासी गुरु ही और दीक्षा दे रहे हैं। सन्यासी जैसे हमारे संस्था में जो है, इस्कॉन संस्था में परम पूज्य जनार्दन स्वामी महाराज जो है, भक्ति अनुग्रही जनार्दन स्वामी महाराज, वो दीक्षा नहीं दे रहे अभी। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज नहीं दे रहे। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज नहीं दे रहे हैं दीक्षा अभी। परम पूज्य भक्ति वनमाली महाराज नहीं दे रहे दीक्षा। बहुत सारे ऐसे सन्यासी जो दीक्षा नहीं दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी सन्यास लिए हैं, और वो सिर्फ जो एक संस्था की जो कहते हैं ना मंदिर की एक जो रचना है वो सही से मंदिर सही से चल रहा है नहीं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन गुरु जो है दीक्षा भी दे रहे हैं, क्योंकि गुरु सेवा समिति क्या है कि कौन गुरु आगे बनेगा कौन नहीं बनेगा या किसको वेट करवाना है गुरु बनने के लिए, ये जो निर्णय है वो गुरु सेवा समिति में, और इसमें एक दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते, 12-15 लोग होते इसमें। संन्यास मंत्रालय में भी 12-15 लोग होते हैं संन्यास मंत्रालय, उनकी एक पूरा एक ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को संन्यास मंत्रालय या पूरे ग्रुप को गुरु सेवा समिति कहा गया है। अब इस गुरु सेवा समिति के नीचे नाना प्रकार के जितने भी गुरुज है वो है, और उन गुरुओं के नीचे भी नामहट्टा संयोजक है जो जो है अलग अलग नामहट्टा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन नामहट्टा प्रोग्राम्स के भी कुछ एक प्रधान है जो उनको रिपोर्टिंग देते हैं। और फिर इस नामहट्टा के नीचे जो है वो गृहस्थ है, भक्तगण है, या कोई शिष्य है, ऐसा है ना। तो ये जो है ये रचना जो है ये बहुत ही इसका एक बोलते हैं ना कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है तो इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगी, मैं आज नहीं देने वाली हूं। और यहाँ पे ये जो पेज है ना, इस्कॉन गुरु का व्यवहार, इस्कॉन गुरु का मनोभाव, इस्कॉन से बाहर के गुरु, सॉरी, ये ऑल्सो नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है ना ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं कल दूंगी, हम लोग अभी फिलहाल तो जो है ये जो है इस संरचना पे ही विराम दूंगी मैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो है मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, एंड एक्चुअली मैं ही काउंसलर हूँ तो सारा स्टॉक वॉक मुझे ही लेके जाना है, और हमें जाना है एफसी रोड पे, तो काफी दूर मुझे यहाँ से कातरत से एफसी रोड जाना है और सबको साथ में लेके जाना है, तो इसलिए सो फिर आज मैं सिर्फ 1 आवर की क्लास रखती हूँ, कल हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। मुझे एक और बात पूछनी है, जैसे मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, जैसे अगर हम लोग वीक डे में अगर एक एक घंटे की क्लास ले सकते हैं क्या, तो हमारा ना पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर एक एक घंटे की क्लास वीक डे में 9 से 10 में ले सकते हैं हम लोग रात को। हाँ हाँ हरे यस कृष्णा यस माता जी। 9 से 10 में माता जी मोस्टली कॉल्स हो जाते हैं जो 10:30-11 तक जाते हैं, तो उसमें अगर शेड्यूल किया नहीं ज्वाइन किए तो वो फिर क्लास मिस हो जाए। कौन से कॉल्स? ऑफिस के कॉल्स रहते हैं अच्छा माता जी। ऑफिस के कॉल्स, ओके ओके। बाकी सब लोग सहमत है? आप लोग ना अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जो लोग सहमत है। हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली कैसा रहता है माता जी, 9 to 6 ऑफिस रहता है और फिर 6 to 9:30 कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नहीं, क्या मैंने बुक सुना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। 9 to 6, 6:30 ऑफिस रहते हैं और खेले तुरंत रखे बाद हैं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट
रात में 9, 9:30, 10 घर आते थे, अलग हो जाते थे। लेकिन देखिए ये आईडीसी कोर्स भी इम्पोर्टेंट है ना, जनवरी में आप लोगों की दीक्षा हो रही है ना मेरे ख्याल से, राइट? थोड़ा सैक्रिफाइस तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सैक्रिफाइस दूसरे कर सकते हैं, राइट? 9 बजे का एक एक घंटे का ही क्लास हम लोग ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे। और ये है कि अगर हम लोग एक एक घंटा देंगे ना तो इजी भी हो जाएगा। जैसे मंडे को हम लोग ले सकते हैं 1 घंटा, कल तो मैं ले ही रही हूँ, 11 से 2 में मैं लेने ही वाली हूँ, सॉरी 11 से 1 में तो मैं लेने ही वाली हूँ। लेकिन अगर मंडे को एक एक घंटा ले सकते हैं तो अच्छा है। कि जितने लोग सहमत है ना, वो आपके पास एक ये है ऑप्शन है आपके जूम में ही कि आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। तो कितने लोग सहमत है अपने जूम इस पे ही हाथ खड़े कीजिए। तो हाथ खड़ा करो ना। एक ऑप्शन है, सतीश प्रभु आपको ना जरा वो अपने जूम में जाके देखना पड़ेगा, रेज योर हैंड करके, छाया राठौर माता जी, 9 to 10 इज ओके फॉर यू। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वही था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है उस टाइम पर। प्रॉब्लम यही है कि मेरे साथ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रॉब्लम है। सो टुमारो ऑल्सो आई हैव यू नो शेड्यूल्ड यू नो एट सम प्लेस, सो देन इवनिंग अगेन आई वोंट बी एबल टू गिव एक्चुअली क्लास इन द इवनिंग, आई विल बी एबल टू गिव ओनली इन द मॉर्निंग। तो वही मैं कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ, वरना फिर ये खिंचता चला जाएगा आपका फिर, एंड देन अगेन एग्जाम डेट भी खिंचती चली जाएगी, और देन आई हैव टू कट सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स विच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन एंड फिनिश इट जस्ट। तो कैसे है ना, गड़बड़ करके रैप अप करना पड़ेगा हम लोगों को, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मॉर्निंग में माता जी 9 to 10 कर सकते क्या, या 10 to 11? मॉर्निंग में मॉर्निंग जो है, हरे कृष्णा माता जी, मॉर्निंग में कैसे बच्चों के कॉलेज के टिफिन्स वगैरह रहते हैं, और एक्चुअली मॉर्निंग में यही तो नहीं हो सकता, मॉर्निंग में नहीं हो सकता 9 से 10। 10 से 10 के बाद अगर चैलेंज चलेगा, 11 बजे में तो चलेगा, 11 से 1 लेंगे तो भी चलेगा। फिर नॉट ऑफिस हो मॉर्निंग, नॉट जाता है। मॉर्निंग, फिर 11 के बाद तो ऑफिस शुरू हो जाता है माता जी। इट इज पॉसिबल ओनली इन द इवनिंग लेकिन समय आवर्स। भी सुबह रहता है ना, टिफिन बच्चों का रहता, कॉलेज में जाते बच्चे, तो नहीं हो मुझे लग सकता। रहा है कि ये 9 से 10 का उपाय सबसे बेस्ट है। सब लोग घर पे पहुंच भी जाते हैं सारे, मतलब खाना पीना खत्म भी हो जाता है सबका, डिनर विनर भी खत्म हो जाता है, गृहिणियों का भी डिनर खत्म हो जाता है, ऑफिस से लोग आ भी जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, माता जी ऐसे ठीक है, मंडे को है ना 9 से 10 में बोलते 1 घंटे की क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना? छोड़। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास कब होगी फिर मैं उस टाइम पे डिसाइड करती हूँ, ठीक है? मंडे को कम से कम 9 से 10 में वो एक क्लास ले लेती हूँ मैं, ताकि जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना? किसी का और कोई यू नो मींस इसमें प्रॉब्लम है क्या? माता जी ये PDF आप शेयर कर सकते हैं क्या? ये ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप पे, ओके, इंग्लिश में अवेलेबल है या फिर हिंदी में ही? आई थिंक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वो आईडीसी ग्रुप का है। मेरे ख्याल से उन्होंने हिंदी में शेयर किया हुआ है। बोलने मैं जाते शेयर हैं करती ना। हूँ ग्रुप पे इंग्लिश में, यस माता जी, थैंक यू सो नॉट मच। टुडे, आई विल कम एट होम एट नाइट एंड देन आई विल शेयर इट, ओके? ठीक यस माता जी, श्योर, थैंक यू। है ना? और किसी का कोई जो है शंका है या कुछ है ऐसा? हरे कृष्णा माता जी। माता जी हाँ जी माता जी, मुझे एक्चुअल ऋतिक वाद का मीनिंग क्या है वो नहीं समझ में आया, इसका मीनिंग क्या है? हाँ ऋत्विक यानी आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बदले में जो है दीक्षा दे रहा है, ठीक है ना? जैसे मैंने, आप ज्वाइन कब हुए थे? लेट हुए ज्वाइन आप? नहीं माता जी, किया मैंने टाइम पे जो, और वो एग्जांपल आपने दिए वो सब कुछ समझ में आया। हाँ, इज जस्ट अ प्रॉक्सी पर्सन, इंस्टेड ऑफ यू ही गिव्स यू दीक्षा, प्रॉक्सी पर्सन यू कैन से लाइक दैट, कि एक कोई प्रॉक्सी है आपके बदले में कोई
दीक्षा दे रहा है आपके बदले में वैसे, ठीक है ना। और किसी का कोई शंका है? ओके ठीक है। तो कल हम लोग जो है सुबह में, क्योंकि सी एक्चुअली मेरा ना मॉर्निंग्स आर आल्सो वेरी टाइट, मैं मॉर्निंग्स में भक्ति शास्त्री हिंदी एंड इंग्लिश में देती हूँ। सो टुडे मॉर्निंग आल्सो आई वाज गिविंग भक्ति शास्त्री, फिर ये वाला क्लास, एंड बीच में भी एक मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेमिनार लिया, उसके अंदर भी 45 मिनट्स का। तो फिर मेरे लिए भी ना इट इज लिटिल यू नो यू कैन से चैलेंजिंग दैट यू नो कैसे मैनेज करना है। तो कल हम लोग जो है मिलते हैं 11 से 1 के बीच में, ठीक है, 11 से 1 में हम लोग मिलते हैं, एंड देन वील डिसाइड, बिकॉज इवनिंग क्लास में नहीं रखने वाली हूँ, बिकॉज हम लोग आफ्टरनून में ही जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देन दैट क्लास, फिर ये जो इवनिंग्स वाली क्लास है मैं कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ वीक डे में, ताकि हमारा सिलेबस अच्छी तरह से खत्म हो, ठीक है ना। और फिर जो लोग दीक्षा दे ले रहे हैं तो फुल न्याय मिलना चाहिए, कि फुल नॉलेज भी मिले उनको, ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान दिया और फिर दीक्षा लेने के बाद फिर वो गुरु के लिए सरदर्द बन जाए, ऐसा भी नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कल 11 से 1 के बीच में मिलते हैं, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।